वही रुक करेंगे खास खबरों की ओर। खबर फिरोजाबाद से है, जहां पर एसएसपी आशीष तिवारी के द्वारा अपराध पर अंकुश लगाने के लिए शातिर अपराधियों की जमानत निस्तारीकरण अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जनपद के विभिन्न थानों की पुलिस टीम द्वारा अपराधियों पर कठोर कार्रवाई करते हुए जमानत निरस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। बता दें कि अब तक 10 अपराधियों के विरुद्ध जमानत निरस्तीकरण की कार्रवाई जो है वो की जा चुकी है। देखिए, फिरोजाबाद जनपद में लगातार अपराधियों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है और इसी क्रम में जो जमानत निरस्तीकरण की कार्रवाई है वो इस मामले में 10 अपराधियों के खिलाफ में जमानत निरस्त कराई गई, जिन्होंने अपराध करने के बाद में जब वो जेल से बाहर बेल पे निकले हैं तो उन्होंने जो जमानत की शर्तें हैं उनका उल्लंघन किया या उन्होंने अपराध किया, तो उसमें 10 ऐसे अपराधी हैं जिनकी जमानत निरस्तीकरण कराई गई है, जिसमें 5 लाइन पार से, 3 दशमपुर से, 1 रामगढ़ और 1 नगला खंगर से है। और अपराधियों पर लगातार इस तरह की कार्रवाई रहेगी, जो भी लोग इनकी बेल ले रहे हैं, जमानत ले रहे हैं, तो वो कंडीशंस का उल्लंघन ना करें, एट द सेम टाइम अपराधी भी बाहर निकल के अपराध ना करें, अन्यथा उनके खिलाफ में सख्त सख्त। देखिए फिरोजाबाद वही खबर फिरोजाबाद से है, जहां पर बीते दिन बाल दिवस के मौके पर सिरसागंज क्षेत्र के ग्राम हैवतपुर ठार निवासी व दिल्ली पब्लिक स्कूल की क्लास 9वीं की छात्रा पाल सिंह को 1 घंटे का एसडीएम बनाया गया है। एसडीएम बनने के बाद छात्रा ने कार्यालय और पटलों का निरीक्षण किया है, साथ ही शिकायत लेकर आए ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी, जिसे निपटाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए। और इस दौरान एसडीएम विवेक कुमार मिश्रा सहित तहसील प्रशासन की टीम भी मौजूद रहे। मुझे बहुत अच्छा लगा और काफी गर्व महसूस हुआ। क्या क्या आपको यहाँ ऑफिस में देखने को मिला आज? देखा कि काफी लोग अपनी परेशानियां लेकर आए और कैसे उनका समाधान किया। आजकल किसको देना चाहेंगे? इसका श्रेय मैं अपने पापा को देना चाहूंगी। क्या नाम पापा? हरेंद्र सिंह। मुझे बहुत अच्छा लगा। वही खबर एटा से है, जहां पर रावागढ़ पब्लिक स्कूल में 3 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल की पत्नी ने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरित कर प्रतियोगिता का समापन किया और इस मौके पर उपजिलाधिकारी राम नयन सिंह ने प्रतिभागी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन भी किया है। वही खबर रायबरेली जिले से है, जहां पर सलोन क्षेत्र के रतनपुर गांव में टीबी से बचाव के लिए नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया है। एम्स की डॉक्टर अभय सिंह के नेतृत्व में डॉक्टरों की टीम ने लघु नाटक के माध्यम से लोगों को बताया कि टीबी होने के क्या क्या लक्षण हैं, साथ ही उससे बचाव कैसे किया जाए। बता दें कि नुक्कड़ नाटक का कार्यक्रम गाँव के प्रधान प्रतिनिधि दिलीप यादव के उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। रायबरेली में शादी समारोह से वापस लौट रहे बारातियों की कार सड़क दुर्घटना का शिकार हो गई है। बता दें कि कार और ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई। इस दौरान कार सवार बच्चों समेत आधा दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। वही खबर झांसी से है, जहां पर बीते दिन बाल दिवस के मौके पर वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन पर कोऑर्डिनेटर बिलाल उल हक की अध्यक्षता में चाइल्ड लाइन से दोस्ती सप्ताह के अंतर्गत बच्चों के साथ बाल दिवस मनाया गया और इस क्रम में सभी बच्चों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को पुष्पांजलि अर्पित की और केक काट कर चाचा नेहरू का जन्मदिवस मनाया। बाल दिवस के शुभ अवसर पर चाइल्ड लाइन से दोस्ती पखवाड़े का शुभारंभ भी किया गया है। वहीं झांसी में बाल दिवस के मौके पर सरस्वती शिशु मंदिर के भव्य सभाकक्ष में यातायात जागरूकता संगोष्ठी और शपथ ग्रहण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में यातायात विषय भाषण प्रतियोगिता आयोजित की गई है। वहीं कार्यक्रम में अतिथियों के द्वारा चाचा नेहरू के जीवन पर प्रकाश डालते हुए यातायात नियमों की भी जानकारी दी गई, साथ ही यातायात नियमों का पालन करने और करवाने की शपथ दिलाई गई। हम सभी बच्चों को शपथ दिलाई गई कि हम तो नियम माने, अपने घर वाले और बाहर वाले चलते हुए मान पे उनको भी नियम बनवाए, इसलिए हम लोगों ने शपथ ली कि हम तो नियम मानेंगे और सभी को मनवाएंगे। आज यहाँ पर ये यातायात जागरूकता का कार्यक्रम था और माननीय पूर्व
हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जी उनका जन्म दिवस भी था, तो इस उपलक्ष्य में हमारी बहन प्रगति शर्मा जी द्वारा ये यहाँ पर ये कार्यक्रम कराया गया। बच्चों को यातायात के बारे में जागरूकता के लिए हम लोग आए थे, हमारे ट्रैफिक वार्ड में काफ़ी इसमें काफ़ी सहयोग रहा, हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं बड़े इन्होंने ध्यान से सुना। हम सभी बच्चों को वही खबर आगरा से है जहां पर आवासीय राधा स्वामी दृष्टि बाधित संस्थान के तत्वाधान में बाल दिवस समारोह का आयोजन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ किया गया। समारोह के दौरान हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन के अध्यक्ष सुमन सुराड़ा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। वे कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर की गई है। बता दें कि हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन के द्वारा दृष्टिहीन बच्चों को उपहार भी बांटे गए। आज मैं सबसे पहले स्वामी प्रताप जी बघेल जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आज इन्होंने मुझे सौभाग्य प्राप्त किया है, ये मुझे सौभाग्य दिया है कि दृष्टिबाधित बच्चों के साथ आके मैं बाल दिवस मनाऊँ। हमेशा मैं बाल दिवस तो मनाती हूँ, सरकारी स्कूल करीब तकरीबन 50 एडॉप्ट किए हुए, तुम्हें सभी लोगों को मालूम है एनजीओ तकरीबन 50 सरकारी स्कूलों को एडॉप्ट करके उनमें अपने कार्यक्रम करते रहता है, लेकिन आज एक अनूठा अनुभव हुआ है मुझे, बड़े अच्छा लगा इन बच्चों के बीच में आके, एकदम आह्लादित हो गई, आनंद महसूस हो रहा है कि सच में इन बच्चों के पास आँखें नहीं है। और स्वामी प्रसाद जी बघेल जो इन बच्चों को लेके आवासीय स्कूल चला रहे हैं, बहुत बहुत आभार धन्यवाद कि हम जैसे लोगों को एनजीओ के जो मेंबर्स है, जो फाउंडर मेंबर है, उनको बुला के इनसे परिचय करवाया और ये दिखाया कि सच में इन बच्चों के पास में एक अनूठी शक्ति है जो हमारे पास नहीं है। आप सभी मीडिया कर्मियों का धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया और उसके अलावा मैं सुमन सुराना मैडम को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट पहले एक बार मैंने बुलाने की कोशिश की थी, मैडम के पास समय नहीं था, और आज मैंने फिर से दोबारा कोशिश की तो मैडम ने समय दिया और मैं इनका बहुत आभार प्रकट करता हूं क्योंकि इनका आगरा शहर के अंदर एक जो नाम है, एक जो छाप जो बनी हुई है हेल्पिंग एंड वेलफेयर सोसाइटी जो है, हेल्पिंग एंड हैंड फाउंडेशन जो है, इसके मैं बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ और मेरे को मीडिया कर्मियों और हमारे साथी लोगों के माध्यम से ही मैडम का संपर्क सूत्र मिला मेरे को और मैंने संपर्क किया और आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि मैडम आज हमारे बीच हैं, इन बच्चों के बीच हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैडम अगर हमारे से जुड़ गई हैं तो मुझे ये उम्मीद है मैडम से है कि वो और भी उनके माध्यम से हमारे से और समाज से भी लोग जुड़े। आज वही खबर बेतिया के नक्टरियागंज से है जहां पर शिकारपुर पुलिस ने नल जल योजना की राशि गबन मामले में वार्ड सदस्य को गिरफ्तार किया। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने वारंटी रंगीला साह को गिरफ्तार किया है और इस संदर्भ में थानाध्यक्ष ने बताया है कि गिरफ्तार वार्ड सदस्य के विरुद्ध पंचायत सचिव बालेश्वर कुमार चौधरी के द्वारा नल जल योजना की सरकारी राशि गबन करने के आरोप में पूर्व वार्ड सदस्य व वार्ड सचिव के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। थानाध्यक्ष ने बताया कि न्यायालय के द्वारा जारी वारंट के तहत आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और दोनों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। खबर बेतिया के पश्चिम चंपारण से है जहां पर नक्टरियागंज रामनगर मुख्य मार्ग में दिन दहाड़े 3 की संख्या में बदमाशों ने एक मजदूर से मोबाइल छीनने का प्रयास किया। वहीं मजदूर के विरोध करने पर बदमाशों ने मजदूर पर चाकुओं से हमला कर दिया है। इस दौरान मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया, इसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस इस मामले की कार्रवाई में जुटी है। फिलहाल की खबरों में इतना ही, रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।